लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच इस जंग में साफ सफाई में लगे सफाई कर्मियों का सिरसा गंज में समाज सेवी डॉक्टर गुरुदत्त सिंह ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं विश्वव्यापी महामारी से इस जंग में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी को गुलाब के फूल भेंट करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर सफाई कर्मियों ने संबोधित किया। वहीं डॉक्टर गुरुदत्त सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो भी लोग जंग छेड़े हुए हैं वो सभी प्रशंसा व बधाई के पात्र हैं। हम निश्चित रूप से इस जंग में जीत हासिल करेंगे। आज जो यहाँ पे आके आपने पुष्प वर्षा करी है उसके बारे में बताया। हमारे देश के सफाई कर्मचारी जो कि हमें अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, मेरे मन में आया कि उनकी पुष्प वर्षा तथा पुष्प से स्वागत होना चाहिए। तो आज मैंने प्रण किया और मैं आज 4 नंबर ट्यूबवेल पर इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और जगह जगह गंदगी को साफ करते हैं। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस कोरोना वायरस से लड़ने की घड़ी में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। मैं इन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।